दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच केंद्र ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जो दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देता है। नए कानून के मुताबिक दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। NCT दिल्ली सरकार अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है, जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। आपको बता दें कि पिछले महीने दोनों सदनों में भारी विरोध के बीच इस विवादास्पद कानून को मंजूरी दी गई थी। लोकसभा ने 22 मार्च को, राज्यसभा ने 24 मार्च को इसकी मंजूरी दी थी। जब इस विधेयक को संसद ने पारित किया था, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 में से 62 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी के खाते में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली पर चुनी हुई सरकार के विपरीत शासन करने और दिल्ली सरकार की योजनाओं को रोकने का प्रयास करती रही है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनता के लिए सरकार को उपलब्ध होना चाहिए और चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च है, मंत्रिमंडल के पास ही असली शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संघीय ढांचों में राज्यों को भी स्वतंत्रता मिली है। तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि शक्तियों में समन्वय हो, शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती। बेंच ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य को एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं दिए जा सकते। कहा गया था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं। कानून बनाने से पहले और बाद में उसे LG को दिखाना होगा। लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च हैं, संविधान का पालन होना चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से कहर बरपाया हुआ है। क्या कोरोना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है? TV9 भारतवर्ष के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल से सवाल पूछें। सवालों का जवाब सुबह 11 बजे के बुलेटिन में प्रसारित होगा। आप अपने सवाल 7428198655 पर व्हाट्सएप करें। आप अपने सवाल आपका सवाल @tv9.com पर मेल करें। आपके सवाल का जवाब सुबह 11 बजे TV9 भारतवर्ष पर दिखाया जाएगा। अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें।